आप इनको पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपको क्या फीलिंग आती है, ऐसा क्या आपको इंटरेस्ट लगता है कि आपको? मेरे को लगता है कि मैंने अपने जीवन में ये जो समय इनको दे पा रहा हूँ, मेरे जीवन की सबसे मूल संपत्ति मिल रहा है मेरे को, मैंने समाज के लिए कुछ कर पाया। सर, ये करने की प्रेरणा आपको कैसे लगी, जैसे आपको ये शुरुआत? ये एक्चुअल क्या है, मैं एक्चुअल काम में बहुत शेड्यूल रहता है, मेरा सर्विस मैन हूँ। लॉकडाउन की वजह से जब सब बंद हुआ तो मैं घर में बैठा हूँ अभी 6-7 महीने से, तो मेरे को लगा कि ऐसा कुछ करे कि मेरा भी समय पास हो और कुछ बच्चे का भी जीवन कुछ आगे जाए, इसलिए मैंने ये चुना कि बच्चे को शिक्षा देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्यों बच्चे लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक जायगा ढूंढना थी, ये जायगा ढूंढ के कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों का शिक्षा में बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना महामारी के दौरान में बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाई स्कूल्स बंद होने के कारण, तो हमारा भी लक्ष्य यही है कि हम जन जन तक पहुंच सकें जहां पे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है। कुछ ऐसे हमारे को शहर में ऐसी शख्सियतें सामने आ रही हैं जो बच्चों को निःशुल्क अपनी सुविधाओं से निःशुल्क पढ़ा रही है, तो हम उन लोगों का धन्यवाद करने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए स्वयं उनकी क्लासेस में आते हैं। तो हम आज यहाँ सर से मिले, हमें बहुत अच्छा लगा, बच्चों से मिले हमें बहुत काफ़ी खुशी हुई कि बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति वो जज्बा है, पढ़ना चाहते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं मैथ्स में, मैनर्स में और अनुशासन के प्रति बच्चे बहुत जागरूक हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो खुशियों के होटले के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, अगर कोई सेवा आप वहाँ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह अजमानी, धन्यवाद।